हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी डिटर्जेंट पाउडर बनाने का बिजनेस आप लोग कैसे शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी मेरे चैनल श्यामा टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। कपड़े धोने के लिए हर घर में वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है। कई तरह की कंपनियों में डिटर्जेंट पाउडर आपने देखे होंगे और खरीदे भी होंगे। इस प्रोडक्ट की डिमांड भारतीय बाजार में बढ़ती जा रही है। आजकल हर घर में कपड़े धोने के लिए पहले से ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग होने लगा है, और ये देखते हुए यदि आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आप मार्केट से अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास तीन तरह की मशीनें होनी चाहिए जो डिटर्जेंट पाउडर बनाने का काम करेंगी। इन मशीनों में रिबन मिक्सर मशीन, सीलिंग और स्कीमिंग मशीन होती है। आपको ये मशीन 4 लाख रुपए तक आपके नजदीकी मशीनरी मार्केट या ऑनलाइन मार्केट पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। इसके बाद आपको कम से कम 1000 स्क्वायर फीट की जगह तो चाहिए। आप जगह किराए पर भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन कराना होगा और साथ ही अच्छा मशीन कलेक्शन भी कराना होगा। इसके बाद डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। रॉ मटेरियल में आपको एसिड सलरी, डीकोल कलर, यूरिया और कपड़े धोने का सोडा आदि खरीदना होता है। आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी नजदीकी कार्यालय में कराना होता है ताकि सरकार के बनाए सारे नियमों का पालन हो सके। इसके बाद आपको 7 से 8 वर्कर की आवश्यकता होगी। यदि आप अपने परिवार के साथ मिलकर ये व्यवसाय शुरू करते हैं तो और भी आपको फायदा होगा, क्योंकि वर्कर्स की सैलरी के पैसों की बचत हो जाएगी। डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल कहीं भी मिल जाता है। ये रॉ मटेरियल आपको आपके नजदीकी मार्केट से भी आसानी से मिल जाता है, और इसके साथ ही आप इस रॉ मटेरियल को ऑनलाइन मार्केट से भी आसानी से खरीद सकते हैं। जहाँ तक मुनाफे की बात है तो प्रति किलो डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए आपको 25 रुपए की लागत कम से कम लग जाती है। आप ये डिटर्जेंट पाउडर प्रति किलो 40 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो आप 1 किलो पर 15 रुपए कमाते हैं, यानी 100 किलो पर आप 1500 रुपए कमाते हैं। यदि आप 200 किलो एक दिन का बेचते हैं तो आप एक दिन में 3 से 4 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं। महीने के कम से कम 60 से 70 हजार रुपए की आपकी इनकम हो सकती है। आपका उत्पाद जब बनके मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है तब आपको अपने प्रोडक्ट का प्रचार आपके नजदीकी बाजार में करना चाहिए। आपको बाजार में अपने प्रोडक्ट के कुछ सैंपल लोगों को बिना पैसे के देने होंगे ताकि वो आपके प्रोडक्ट को उपयोग में लेकर खरीदने के लिए संतुष्ट हो सकें। इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को अपने आसपास की किराने की दुकानों पर भी बेच सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने प्रोडक्ट को अपने आसपास के घरों में भी खुला या पैकेजिंग करके बेच सकते हैं और अच्छी इनकम कमा सकते हैं। यही नहीं फ्रेंड्स, कई दुकानों पर वस्त्रों की धुलाई होती है, वहाँ आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं। कई हॉस्टल आदि में इन प्रोडक्ट की मांग होती है, आप वहां जाकर भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। डिटर्जेंट पाउडर बनाने के व्यवसाय में आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है। डिटर्जेंट पाउडर की मशीन खरीदने से पहले ध्यान रखें कि एक बड़ी मशीन ही खरीद के लाएं जिसमें आपके सभी काम हो जाएं, क्योंकि अलग अलग मशीन लेने के कारण आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा। डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए आप एक अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल का ही उपयोग करें।
जब तक अच्छे से रॉ मटेरियल मिक्स न हो जाए तब तक आप जल्दबाजी न करें। डिटर्जेंट पाउडर बनाने से पहले सुरक्षा के सारे साधन को अपने पास रखें और काम करते समय पूरी सुरक्षा बरतें। प्रोडक्ट को सही मात्रा में माप तोल कर ही पैकेजिंग के लिए रखें। पैकेजिंग करने के बाद प्रोडक्ट को सुरक्षित स्थानों पर रखें। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आप सही तरीके से इस व्यवसाय को तभी कर पाएंगे जब आप इस सभी बातों का ध्यान रखेंगे। डिटर्जेंट पाउडर बनाने का बिजनेस शुरू करके आप लोग अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिल सके। एक और नए बिजनेस आइडिया और हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों के सामने दोबारा आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।